बक्सर के इटाढ़ी स्थित बालदेवा गांव में बम विस्फोट मामले में वहां मौजूद लोगों ने बताया है कि जिस महिला के घायल होने की बात सामने आई है, वह दरअसल चाय बनाने के लिए गुड़ तोड़ने गई थी। गुड़ को उसने तोड़ना शुरू ही किया था, तब तक वह ब्लास्ट कर गया। दरअसल वह गुड़ नहीं बल्कि गुड़ के रूप में बम था। यहाँ कैसे विस्फोट भइल? घटना के सर हमने के तह इतना तब नहीं जाए नहीं जाए तो अब का जानते जा सुन के आई नहीं जा कि ऐसा ऐसा बात भइल बा तो आई नहीं जा तो हमने से तो भेटो ना भइल भेट नहीं के भइल ये का भइल रहे जा हे जा तो कहत नहीं कि जा कि चाह बनावे खाती आईली। अच्छा। चाह बनावे आईली सिली पर मरीच आ गुड़ फोड़त रही न अब उहे फोड़ ली तो बस का जाने का लौकल ना उकल आवाज के धमाका भइल। हां धमाका हो गई। अच्छा। हाँ उतने में उनकर हाथ होता इति होके लाके अपन बेहोश हो गए रही। लड़कियाँ नहीं आई रही थी और के जने का भय रही थी। उधर FSL तथा बम निरोधक दस्ता की जांच खत्म होने के बाद रविवार को SP मनीष कुमार भी बालदेवा पहुंचे थे और उन्होंने घर वालों से पूछताछ की तथा मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की। उन्होंने इस संदर्भ में बताते हुए कहा कि वह स्वयं वहां जाकर जांच के लिए गए थे। जांच के दौरान उन्होंने घर वालों से पूछताछ की और वहाँ जो सुराग मिले उन्हें भी एकत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि घर में बम कैसे आया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं जिससे कि पुलिस जल्द ही इस मामले का उद्भेदन भी कर लेगी। एसपी ने बताया कि जिस व्यक्ति के घर में बम ब्लास्ट हुआ है उनके घर के एक सदस्य के भीम आर्मी से जुड़े हुए होने की बात भी सामने आई है। SP ने बताया कि घायल महिला के पुत्र और पति को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई लेकिन उनकी इस कांड में संलिप्तता उजागर नहीं हुई, ऐसे में उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिनके घर में बम ब्लास्ट हुआ है उनके यहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना था। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी यह जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि जिनके घर में बम ब्लास्ट हुआ है उनका अन्य लोगों के साथ कैसा संबंध था और थाने में भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लेगी। विशेष टीम इस मामले की जाँच कर रही है। निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है। उधर जो भी नमूने FSL के द्वारा एकत्रित किए गए थे उन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई वहां बम ब्लास्ट हुआ है अथवा नहीं। लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें बम ब्लास्ट की बात ही कही जा रही है। ऐसे में पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी विचार कर रही है। उधर इटाढ़ी थाने की पुलिस ने भी मामले की जांच में जो अहम जानकारियां हैं उन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अनुसंधान शुरू किया है। जो टीम अनुसंधान में लगी है उससे भी जानकारियां साझा की जा रही हैं। इसके साथ ही जो लोग वहां पर घायल को लेकर पहुंचे हुए थे, घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए वो उन्हें लेकर वाराणसी चले गए हैं। वाराणसी में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। महिला छत पर थी उस वक्त बम ब्लास्ट हुआ। छत पे सीढ़ियों की तरफ रेलिंग भी नहीं थी, यदि महिला वहां से गिरती तो उसका बचना मुश्किल था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब भी महिला को जो चोट लगी है वह काफ़ी गंभीर है। ऐसे में वाराणसी में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में जब वहां के चिकित्सकों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना है कि महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है, हालत में पहले से सुधार है। ऐसे में हो सकता है कि महिला जल्द ही स्वस्थ हो जाए। उधर इस घटना के बाद इटाढ़ी पुलिस के द्वारा गांव में सक्रियता बढ़ा दी गई है। गांव के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि गांव में कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है। साथ ही साथ जिस घर में विस्फोट हुआ है उस घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहाँ भी सघन निगरानी की जा रही है। घटनास्थल से जो बम आदि के अवशेष बरामद हुए हैं उन्हें प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस जब तक कोई उद्भेदन नहीं करती अथवा कोई खुलासा नहीं करती इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह बम ब्लास्ट रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। यह भी कह रहा है कि कहीं नक्सली गतिविधि और नक्सली सक्रियता तो नहीं बनी, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। SP मनीष कुमार तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं और उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह है।
चल जाएगा।